संजय सिंह जी माता पिता पूज्य समिति के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा समाज में रक्तदान शिविर और कई तरह के शिविर आयोजित किए जाते हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरी पटना में इनकी पहचान है और ये जाने माने व्यवसायी भी हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जयंती समारोह का कंकड़बाग का जो टेम्पू स्टैंड है और यहाँ छत्रपति जी महाराज शिवाजी जी का पार्क के रूप में ये गोलंबर पार्क है, उनकी एक छोटा ही सही लेकिन भव्य ओजस्वी मूर्ति भी लगी हुई, उसी के किनारे बैठकर हम इस क्रांति दूत भारत के लाल के चरणों में बैठकर उनके मूर्ति के पास बैठकर हम आज उनका जयंती मना रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि ईश्वर जिस रास्ते छत्रपति शिवाजी महाराज चले उस रास्ते चलने का उस तरह का मन बनने का हमें भी वो वरदान दो ताकि इस देश के लिए इस समाज के लिए हम भी कुछ कर सकें। अपने लिए जिए तो क्या जिए, है दिन तुझी जमाने के लिए ये मिसाल दो जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज कर गए उतना तो हम इतना कर पाएंगे, लेकिन उनके चरणों के धूल को माथे पर लगाकर और उस रास्ते चल सके ये कम से कम हम आज के दिन स्मरण करते हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हमारी बुद्धि हमारा विवेक हमारा स्वभाव हमारा मन और हमारी शक्ति इस तरह की हो। हम सभी इंतजार कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तारकिशोर बाबू का, लेकिन अभी आज उपस्थित हैं आदरणीय सुधीर कुमार जी जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं। हृदय से उनको धन्यवाद है और उनको धन्यवाद देते हुए हम उन सबको धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम से अपने को जोड़ कर रखे हैं। वो सब एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और वो कार्य निश्चित रूप से भारत को ऊंचा ले जाने में भारत को दुनिया का मुकुट बनाने में ईंट का पत्थर का काम करेगा, ये मेरा मानना है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में अजय जी हैं, श्री नारा लाहू जी हैं, श्री संजय बाबू हैं, शालिनी वहन शालिनी है, संजू है, दिलीप कुमार मिश्रा जी हैं, डॉक्टर मिथिलेश जी हैं, सदानंद बाबू हैं, वेद व्रत जी हैं, संजीत है, पूरी है और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में सवेरे से भाग ले रहे हैं। शिवाजी महाराज का आगमन भारत में उस समय होता है जिस समय यह भारत गुलाम था और मुस्लिम बादशाह इस भारत को गुलाम बनाकर रखे थे। हम ये कहते जरूर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन हिंदू हो मुसलमान हो जब इस देश को कोई गुलाम बनाता है तो हम लोकतंत्र जो है महाराष्ट्र में आपको उनका दुर्ग और उनका किला देखने का अनुभव हो तो आप देख पाइएगा हजार हजार सीन अक्षर के ऊपर में जो है कि नहीं किला सुरक्षित किला बनाया जाता था और उसके तरफ बनाई जाती थी जो है कि नहीं या कोई जो है उस हमला करे तो हम लोग उससे बच सके और वो सीढ़ियों से उतरना और सीढ़ियों से चढ़ना एक अपने आप में जो है कि अद्भुत उस समय का जो है कि नहीं शौर्यता का
सौर्यता का उदाहरण था, जो लोग जो है कि नहीं बचने के साथ साथ अपने स्वागत।